हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा निमी पैटर्न के अनुसार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आने वाली एनसीवीटी की परीक्षा और जिन विद्यार्थियों की सीवीटी के तहत परीक्षा होनी है उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही ये क्वेश्चन फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट विद्यार्थियों के लिए रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो गवर्नमेंट की निमी की जो बुक है उससे ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और आने वाली परीक्षा में सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 100। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लेप टूल? तो सबसे पहले हमें लेप के बारे में पता होना चाहिए कि भाई लेप क्या होता है। जब हम किसी भी पार्ट्स के ऊपरी भाग या फिर भीतरी भाग के ऊपर जब हम लेपिंग करते हैं तो वो लेप टूल के द्वारा किया जाता है। लेप जो होते हैं वो हमेशा सॉफ्ट धातु यानी नरम धातु के बनाए जाते हैं, तो इसलिए इस लेप टूल का आपको नाम बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर रहेगा इसका, स्लॉट कटी हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए कुछ स्क्रू लगाए हुए हैं और ये होल जो आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा लेप है, किसी भी राउंड बार के ऊपर लेपिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स? मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स की लीड क्या है? तो लीड के बारे में हम पता होना चाहिए कि लीड क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक बोल्ट है और बोल्ट के ऊपर हमने नट लगाया हुआ है। नट जैसे ही एक राउंड हम पूरा करेंगे, तो वो आगे बढ़ेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। जितनी हमारी लीड होगी उतनी हमारी पिच होती है। तो राइट आंसर रहेगा ए, पिच गुणा में स्टार्ट्स की संख्या। जैसे हमारा फाउंटेन पेन होता था ना, जैसे उसकी कैप थी एक राउंड से वो बंद हो जाती थी, उसमें क्या होता था कि थ्री जो थी वो लीड थी, ठीक है ना। तो थ्री यानी कंबाइंड यानी मल्टी स्टार्ट थ्रेड उसमें कटी हुई थी, यानी तीन जो चूड़िया थी वो एक साथ चलती है। तो तीन चूड़िया एक साथ चलेगी तो वो तीन ही उसकी पिच आगे बढ़ेगी। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ स्क्रू? तो इस स्क्रू का आपको नाम बताना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। ये स्क्रू ऊपर इसका हेड देखिए, यहाँ पे कौन सी की लगाई जाती है? तो यहाँ पे हमेशा एलन की लगाई जाती है, तो वो एल आकार की होती है। दूसरा यहाँ पे ये देखिए होल नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर ये ग्रूव स्क्रू लगाया जाता है। और साथ में ये देखिए यहाँ पे जो होल नज़र आ रहा है तो इसके अंदर शाफ्ट लगाई जाती है और शाफ्ट को टाइट करने के लिए ग्रूव स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द नट्स? इस नट का आपको नाम बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर रहेगा आपका केसल नट्स। केसल नट्स इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये देखिए इसके ऊपर एक हेक्सागनल, वैसे तो हेक्सागनल ये नट है, इसके ऊपर एक कॉलर बना हुआ, उसके अंदर स्लॉट कटी हुई है। तो स्लॉट जो कटी होती है तो ये किस लिए दी हुई है? तो मान लीजिए ये आपका जो नट जो है ये बोल्ट के ऊपर हम लगाएंगे तो बोल्ट यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो बोल्ट के अंदर भी एक सुराख होता है तो उसके अंदर एक स्प्लिट पिन लगा दी जाती है ऐसे। तो पिन लगाने के बाद क्या होगा, ये आपका जो नट है वो खुलेगा नहीं। कैसल नट का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे वाइब्रेटिंग अधिक हो यानी कंपन अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द नट्स? इस नट का आपको नाम बताना है, ये नट कौन सा है। तो ये तो टॉप व्यू दिखाया हुआ है, ऊपर से देखने में हमें ऐसा नट दिखाई देगा, और ये है बॉटम व्यू यानी नीचे का, ठीक है ना। तो नीचे का इस तरह की आकृति का ये नट है। तो ये राइट आंसर क्या रहेगा इसका, बी रहेगा। एक तो हेक्सागनल है ये, ठीक है ना, क्योंकि छह भुज है, साथ में वेल्ड नट है, हेक्सागनल वेल्ड नट इसका राइट आंसर रहेगा। इसका प्रयोग भी वहाँ पे कंपन अधिक हो, वाइब्रेट और ज़्यादा अधिक हो उस स्थान के ऊपर इस हेक्सागनल वेल्ड नट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस टूल का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ये आपका हुक स्पिनर है। हुक का मतलब ये है क्योंकि ये जो स्लॉट कटी हुई है इसके ऊपर नट पे, तो यहाँ पे ये जो मुड़ा हुआ है हुक है वो लगा के इसके ऊपर प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए कौन सा है, हुक स्पिनर है। हुक स्पिनर का प्रयोग जो हमारी जो लेथ मशीन होती है ना उसके आगे जो हेडस्टॉक होता है, हेडस्टॉक के आगे हमेशा फोर जा चक या थ्री जा चक होता है, उसको चेंज करने के लिए हुक स्पिनर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ स्क्रू, तो इस स्क्रू का आपको नाम बताना है कि ये कौन सा स्क्रू लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है। इधर ये अलग तरह का, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि भी कौन सा है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, ये एक्सागनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू है ये, ठीक है ना। एक्सागनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू रहेगा क्योंकि इसके अंदर एक्सागनल कटा हुआ है, ठीक है ना। सॉकेट का मतलब है कि ये बॉडी के अंदर फिट हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे जो बॉडी है इसके अंदर ये फिट हो जाता है, ऊपर कोई भी पार्ट्स हम इसके ऊपर आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समांतर है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, पिलर फाइल हम बोलते हैं। पिछली वीडियो के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। तो ये इस फाइल का डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट कटे होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, वर्डिंग फाइल्स। ये भी पिछली वीडियो के अंदर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो हमेशा एग्जाम के अंदर आने की संभावनाएं रहती है। तो वर्डिंग फाइल कैसी होती है, तो ये देखिए डायग्राम इसका यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल्स, इस फाइल का आपको नाम बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर रहेगा इसका, ये जो फाइल जो आपको नजर आ रही है, तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, शिव्स पैटर्न फाइल्स इसका नेम रहेगा। और ये स्पेशल कार्यों को करने के लिए इस फाइल का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपकी नीडल फाइल होती है ना, सेम उसी तरह की ये स्विस पैटर्न फाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज, इस गेज का आपको नाम बताना है कि ये गेज कौन सा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेगा, पिछली वीडियो में गेज से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन थे। तो राइट आंसर रहेगा बी, थ्रेड्स रिंग गेज। तो थ्रेड्स जो रिंग गेज है, तो इसलिए इसके अंदर देखिए चूड़िया कटी हुई है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, थ्रेड्स रिंग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, इस गेज का आपको नाम बताना है कौन सा गेज है ये। तो राइट आंसर रहेगा बी, स्नैप गेज है। स्नैप गेज का प्रयोग किसी भी जॉब के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है। फ्लैट आकार की कोई भी अगर जॉब बनी हुई है उसको चेक करने के लिए स्नैप गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रिल गेज का उपयोग क्या है। तो राइट आंसर रहेगा ए, ड्रिल के व्यास की जांच करना, ठीक है ना। ड्रिल गेज का प्रयोग, ड्रिल गेज कैसा होता है, तो ये डायग्राम यहां दिखाया हुआ, तो देख लीजिए किस तरह का जो ड्रिल गेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज अ मार्क्ड एज एक्स का जो चिन्हित जो निशान लगाया हुआ है वो क्या है, ये देखिए यहाँ पे। तो ये क्या शो कर रहा है, ये लंबाई बता रहा है, डेप्थ बता रहा है, कनेक्टिंग रोलर बता रहा है, चौड़ाई बता रहा है। तो राइट आंसर है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम बताइए, ये देखिए यहाँ पे चिन्हित किया हुआ है, इस भाग का आपको नाम बताना है कि कौन सा है ये। तो राइट आंसर रहेगा ए, स्लिप गेज की ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पे स्लिप गेज लगाया हुआ है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये आपका साइन बार है, साइन बार के अंदर देखिए होल दिए हुए हैं तीन तरह के, तो वो इसलिए दिए हुए हैं ताकि कोई भी जॉब अगर इसके ऊपर रखेंगे वो क्लैंप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज, इस गेज का आपको नाम बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर रहेगा डी, सेंटर गेज। तो सेंटर गेज का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो खराद मशीन होती है, लेथ मशीन होती है, उसके ऊपर एक टूल लगाया जाता है, उस टूल को सेट करने के लिए, उसका एंगल को चेक करने के लिए टूल के, तो सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज, ये गेज कौन सा है। तो ये क्वेश्चन मैं प्रिय विद्यार्थियों आपको दिखा रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये निमी पैटर्न के अनुसार ये क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, स्क्रू पिच गेज रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ गेज, तो इस गेज का आपको नाम बताना है कि ये गेज कौन सा है। तो राइट आंसर रहेगा इसका
डी एनुअल टाइप थ्रेड स्नैप गेज, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे जो लगी हुई है, एनुअल बोलते हैं हम इनको, ठीक है ना। तो किसी भी जो जॉब होती है उसके थ्रेडिंग को चेक करने के लिए इस गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ गेज, ठीक है ना। तो इस गेज का आपको नाम बताना है कौन सा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला। तो राइट आंसर इसका रहेगा ए डबल एंडेड प्लग गेज। तो प्लग गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी भी अंदरूनी जो होल जो है लिमिट में बना हुआ है उसको चेक करने के लिए डबल एंडेड प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। इसका गो सिरा होता है वो लंबाई में बड़ा होता है और नोट गो देखिए यहाँ से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मार्क्स एक्स जो चिन्हित भाग किया है उसका नाम आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये भी गेज कौन सा है। तो कौन सा गेज है ये आपका, प्रोग्रेसिव प्लग गेज रहेगा आपका। तो आगे वाला जो भाग है वो उसका आपको नाम बताना है कि भी ये है कौन सा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, प्रोग्रेसिव प्लग गेज गोशीरा है। कौन सा है, गोशीरा है। तो गोशीरा में सब बड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। जितने भी आपके गेज होते हैं ना उसका गोशीरा में सब बड़ा होता है और नोट गो जो सिरा होता है वो छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द गेज, गेज का आपको नाम बताना है ये कौन सा गेज है। तो राइट आंसर रहेगा डी टेपर प्लग गेज है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से टेपर बना हुआ है, किसी भी टेपर आकार का जो होल है उसको चेक करेगा ये टेपर प्लग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेज में एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। तो जो एक्स का जो निशान जो दिया हुआ है वो आपको बताना है कि ये क्या है और कैसे लगा हुआ है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी थ्रेड रिंग गेज गो नोट गो, ठीक है ना। तो ये एक अलग तरह का है, इसके अंदर ये देखिए जो झिरी कटी हुई है ना, अब रिंग गेज है इसमें कैसे पता चलेगा गो कौन सा और नोट गो कौन सा है। तो हमेशा जो सिंगल जो होता है ये आपका कौन सा है, गो सिरा है, और नोट गो कौन सा है जिसके बीच के अंदर देखिए एक झिरी कटी हुई है, तो ये आपका नोट गो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, इस गेज का आपको नाम बताना है कौन सा है ये गेज। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी थ्रेड प्लग गेज, क्योंकि यहाँ पे देखिए चूड़ी कटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त क्वेंचिंग मीडिया क्या है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए ब्राइन सॉल्यूशन, के अंदर एकदम हम कोई भी अगर जॉब को या फिर किसी भी टूल को एकदम गर्म करेंगे और एकदम क्वेंचिंग टैंक किसको बोलते हैं जिसके अंदर ठंडा किया जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए। एक्स के रूप में चिन्हित क्या किया हुआ है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भी ये सिस्टम क्या है। ये किसी भी जॉब का एक टेम्परेचर दिखाया हुआ है, एक क्रिटिकल पॉइंट होता है एक अपर क्रिटिकल पॉइंट होता है, यानी लोअर क्रिटिकल पॉइंट अपर क्रिटिकल पॉइंट। अपर जो क्रिटिकल जो पॉइंट जो रहेगा तो वो होता है आपका हमेशा 800 डिग्री का, ठीक है। लोअर क्रिटिकल जो पॉइंट होता है वो होता है 723 डिग्री का, ठीक है। तो इसमें ये देखिए टेम्परेचर जो एक्स का जो निशान जो लगा हुआ है इसके बारे में पूछ रहा है, और यहाँ पे देखिए कितना है, ये 800 से कम ही है ना। तो ये राइट आंसर क्या रहेगा फिर आपका, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है ये आपका। तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एल्बो और बैंड का कोण क्या है जो डाइवर्सन प्रदान करता है। डाइवर्सन बोले तो डायरेक्शन चेंज करना। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए 90 डिग्री और 45 डिग्री में वो डाइवर्सन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रूज का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है। तो राइट आंसर रहेगा ए स्क्वायर हेड स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कोच निर्माण कार्यों में किस प्रकार के नट्स का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा ए, स्क्वायर नट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का और नीचे के भाग एक्सागनल आकार का होता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, कैसल नट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर प्रिय विद्यार्थियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन के भी बटन को प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, हैवी ड्यूटी असेंबलिंग कार्यों में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा डी, एक्सागनल हेड स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइट असेंबलिंग कार्य में किस प्रकार के मशीनिंग स्क्रू का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा बी, चीज हेड स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो चीज हेड स्क्रू कैसा होता है, तो ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांतों किस फाइल में होते हैं? तो राइट आंसर रहेगा सी, ड्रेडनोट फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और स्टिक और स्मूथनेस सुनिश्चित करता है? तो राइट आंसर रहेगा ए, स्विस पैटर्न फाइल का प्रयोग किया जाता है। स्विस पैटर्न जो फाइल है यह स्पेशल कार्यों के लिए किया जाता है, तो ये इस तरह का डायग्राम स्विस पैटर्न फाइल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिलर गेज के BIS सेट की मोटाई सीमा क्या है? तो यानी जो आपका फिलर जो गेज होता है उसके अंदर जो पत्तियां होती है उसका ये स्टैंडर्ड साइज BIS के अनुसार कितना है? तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, 0.02 mm टू 1 mm इन स्टेप ऑफ 0.02 mm की रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्लिप गेज? तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर स्लिप गेज के बारे में कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो या इसका एंगल कैसे निकाला जाता है तो मेरे चैनल को ऊपर जैसे विजिट करोगे तो एक वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाई हुई है, तो वो आप देख लेना कैसे कैसे इसका साइज और एंगल निकाला जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, 42.26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या प्रयोग कर रहा है, ये आपकी जॉब है, ठीक है, और ये एक विशेष तरह का होल्डर है और होल्डर के अंदर ये क्या लगे हुए हैं, स्लिप गेज लगे हुए हैं। स्लिप गेज के द्वारा ये जो बोर्ज को जो चेक कर रहा है इसका अंदरूनी डाया, इसको चेक किया जा रहा है किसके द्वारा, स्लिप गेज के द्वारा। तो ये आपको बताना है भी किस प्रोसीजर से ये उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी का प्रयोग किया जाता है, यानी स्पेशल एक तरह की ये जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि कौन सी है? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो ये क्या है, स्लिप गेज है, ऊपर वाला भी एक स्लिप गेज रखा हुआ है, इसको रिंगिंग विधि के द्वारा इसको ज्वाइंट किया जा रहा है। तो ज्वाइंट कैसे होता है, इसके अंदर दोनों में एक वैक्यूम पैदा हो जाता है, ठीक है ना, तो एक दूसरे के अंदर ये चिपक जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, रिंगिंग मेथड से ये किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द गेज ऑफ यूज, पूछ रहा है ये गेज कौन सा गेज प्रयोग किया जा रहा है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, ठीक है ना। तो ये आपका स्क्रू थ्रेड प्लग गेज है और ये लेथ मशीन के द्वारा एक नट को तैयार किया गया है, तो उसकी पिच के अनुसार ये चेक कर रहा है कि ये इसके अंदर जो थ्रेडिंग है वो सही बनी है या नहीं बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिंग गेज का क्या उद्देश्य है? तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए,
बाहरी व्यास की जांच करना। रिंग गेज जो क्या होता है, यह किसी भी जॉब के बाहरी व्यास को चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत तिरजा गेज, जो आपका जो रेडियस जो गेज होता है तो उसकी तिरजा सीमा कितनी रखी जाती है और क्या स्टैंडर्ड साइज होता है। तो राइट आंसर रहेगा ए, स्टेप ऑफ 1 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो ये गेज कौन सा है, ये आपका रिंग गेज है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, रिंग गेज गोशीरा है, ठीक है ना। तो ये रिंग गेज जो है आपका नोट गोशीरा भी देख लीजिए कैसा होता है, क्योंकि इसके बीच में एक झीरी कटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपघर्षक स्टिक के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग क्रिया क्या है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, होनिंग क्रिया। तो ये आपका कौन सा है, होनिंग टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, कॉपर और ब्रश का। जो छोटे जो कार्य जो होते हैं, अगर हमें लेपिंग करनी है तो हमेशा जो लेप जो बनाए जाएंगे कॉपर और ब्रश के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी लेप सामग्री महंगी है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार भी किया जा सकता है। तो राइट आंसर रहेगा सी, लेड। तो लेड क्या होता है, एक तो ये सबसे बाहरी धातु होती है, एक क्वेश्चन ये आप भी बनता है इसके अंदर, जो लेड जो है जितनी भी हमारी धातु होती है उसमें सबसे जो बाहरी धातु है वो लेप है, और ये एक महंगी धातु है, अगर ख़राब हो जाए तो इसे दोबारा भी तैयार किया जा सकता है, ठीक है। जो लेड जो धातु जो रहेगी, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के वो कायदा आपको प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है कि लेड जो धातु उसको कैसे गलाया जाता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आपको देखिए कि धातु को कैसे गलाया जाता है, ठीक है ना। एक बार विजिट करिए चैनल पे, कैसे बच्चों को मैंने बताया कि भी ये जो लेड धातु होती है और इसको कैसे गलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कटोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ए, सिलिकॉन कार्बाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अपघर्षक डाई और ग्लेज की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, ब्रोन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है। तो राइट आंसर रहेगा सी, डायमंड, यानी जो हीरा जो होता है वो सबसे कठोर होता है। इसने बताया ना, टंगस्टन और कार्बाइड की लैपिंग के लिए कौन से एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो वो किसका प्रयोग किया जाता है, डायमंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिशिंग करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम बताइए। तो राइट आंसर रहेगा बी, डायमंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लैपिंग व्हीकल। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ए रहेगा, रेगुलरिटी कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेंट सरफेस, ठीक है ना। तो जैसे ही हम कटिंग करेंगे तो साथ में लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तांबा और इसकी मिश्रित धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा सी, सेल्यूल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो कि हमारी एक कंटिन्यू सीरीज चल रही है। अगर आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत।